चलिए आज हम लोग फिर देखें कुछ, है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, डार्विनिज, है ना। अब उसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एविडेंस एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नियो डार्विनिज्म। तो चलिए पहला देखा जाए, एविडेंसेज। एविडेंसेज इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म ठीक है ना। पहला हम लोग देखें इसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, क्या ये सही है। याद है ना उसका 7 पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। दूसरा था उसका लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, और आइसोलेशन था एक, है ना, और फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सभी को हम लोग देखेंगे ना। तो प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या है? सही है, है ना। इट इज ट्रू ईच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ स्प्रिंग्स। इसको कोई कैसे नकार सकता है कि यह गलत है, ठीक है ना। सभी जीव, कुछ जीव बहुत ज्यादा, है ना, कुछ जीव कम। दूसरा लिमिटेड फूड एंड स्पेस, क्या ये सही है, है ना। एकदम इट होल्ड्स इट इज ट्रू, ये भी एकदम सही है। आप फूड और स्पेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है, ठीक है ना। इट इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म, ये तो सभी ऑर्गेनिज्म जितने हैं सब में पाया जाता है, है ना। और चौथा है, है ना, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ये भी सही है, है ना। चौथा होगा वेरिएशन, चौथा है वेरिएशन, ये भी सही है, है ना। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, है ना, इवन इन ए स्पेसीज, एक ही स्पेसीज में भी ये पाया जाता है,
है ना। और अब रहा चौथा, पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। इसके बारे में देखा जाए ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखिए, है ना। बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अपने मन से कुछ सेलेक्ट करके, है ना, प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स जब प्लांट ब्रीडर्स और एनिमल ब्रीडर्स कुछ अपने मन से सेलेक्ट करके प्रोड्यूसेज उत्पन्न करते हैं, है ना, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन व्हाई नॉट नेचर। समझ में आएगी। प्लांट ब्रीडर एग्रीकल्चर कॉलेज में जाइएगा या वेटनरी कॉलेज में, तो यही सब काम ना होता है, अपने मन से कुछ करेक्टर सेलेक्ट करके, है ना, नए नए वैरायटी प्लांट का और एनिमल का लोग डेवलप करा रहा है। तो जब मनुष्य ऐसा कर सकता है तो क्या ये नेचर नहीं करता होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, है ना, क्या दूसरा पॉइंट है, फ्लावर, फ्लावर्स लिखिए, फ्लावर्स नेक्टर ग्लैंड एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर फ्लावर्स नेक्टर ग्लैंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, आर अकॉर्डिंग, जब आ जाएगा ये सेंटेंस, है ना, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ नेक्टरी ग्लैंड या नेक्टर ग्लैंड इन फ्लावर्स। देखिए इसको बता रहे हैं, फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स बने होते हैं पेडिसेल, थैलमस, कैलिस, क्रोटल एंडोसियम, गाइनोसियम। तो थैलमस पर जनरली नेक्टर ग्लैंड होता है, जहाँ से नेक्टर निकलता है, मतलब मधु निकलता है, ठीक है ना। तो नेक्टर ग्लैंड किधर कहाँ पोजीशन क्या है और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी के अनुसार जो नेक्टर लेने वाले हैं, है ना, इंसेक्ट्स, उनका भी माउथ पार्ट्स रहता है, ताकि आसानी से माउथ पार्ट से अपना वो नेक्टर कॉलेक्ट कर ले। माउथ पार्ट ठीक नहीं रहेगा तो नेक्टर कहीं रहेगा तो उसको कॉलेक्ट नहीं कर पाएगा, दोनों में काफ़ी सिमटे। तो ये नेचर क्या है, ये नेचुरल सेलेक्शन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या है, हाँ, मिमिक्री एंड
protective coloration. Supports. Darwinism. समझाइए क्या है? देखिएगा, ग्रास हॉपर या घास पर बैठने वाले कीट जो होते हैं ना, घासे का कलर का होंगे. क्यों? क्योंकि उसका जो वो इंसेक्ट का इंसेक्टिवोरस एनिमल्स जो है ना, जो आएगा तो उसको पहचान में नहीं आएगा कि ये घास है या कीट, तो उसकी जान बच जाएगी. उसको कहते हैं हम लोग मिमिक्री. प्रोटेक्टिव कलरेशन है ना, जो हैबिटेट है उसी के कलर का वो हो जाएगा. जैसे फ्रॉग में पाया जाता है कि वो कलर अपना बदल देता है, जब घास में रहेगा तो घास के कलर का ऊपर वाला कवर हो जाएगा उसका, है ना, ताकि सांप वगैरह आवे जो, या जो उसको खाने वाले जीव हैं आएगा तो उससे वो बच जाएगा. ठीक है ना? तो ये है मिमिक्री एंड कलेक्टिव प्रोटेक्टिव कलेशन. इसको हम लोग इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे. ठीक है ना? और चौथा पॉइंट कौन है इसका? पीडिग्री एनालिसिस. Of horses, camels, elephants, etc. also support डार्विनिज्म. पीडिग्री एनालिसिस तो आप लोग समझते हैं जो जेनेटिक्स में है, है ना? तो पीडिग्री एनालिसिस जब किया जाता है ना, तो उसमें एंसेस्टर कैसे थे, उसके पोरोजेनी किस तरह हुए, एंसेस्टर का कौन सा कैरेक्टर पोरोजेनी में गया, जेनरेशन टू जेनरेशन देखा जाता है. उसको कहते हैं हम लोग पीडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स में. ठीक है ना? तो उस जेनेटिक्स में जब पीडिग्री हॉर्स का, कैमल का, एलिफेंट्स इत्यादि किया जाता है, तो वो भी डार्विन को सपोर्ट करता है. ठीक है ना? ये है एविडेंसेज इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म. अब हम लोगों को देखना है क्रिटिसिज्म. ठीक है ना? पहला देखो, भैंस वेस्टिजियल ऑर्गन्स. है ना? दोज ऑर्गन्स फंक्शनल इन एंसेस्टर. हम लोगों के एंसेस्टर में फंक्शनल था, बट इन रिड्यूस्ड फॉर्म इन प्रोजेनी. वो है लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में है, मतलब कि नॉन फंक्शनल है. है ना? कोई एग्जाम्पल है इसका? है ना? अबाउट 90 की बात कर रहे हैं. इतना वेस्टिजियल ऑर्गन पे एक मनुष्य पाया जाता है. एक कान नहीं हिलता है हम लोगों का. ठीक है ना? नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन था, वो सब यहाँ पर आ गया है, ख़त्म हो गया है. और क्या है, अपेंडिक्स है हम लोगों का. है ना? तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन पहले फंक्शन करता था इंटेस्टाइन में, लेकिन हम लोग नहीं. तो एक बात देखिए, ये जो डार्विन है वो कह रहा है कि यूजफुल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड. अब यहाँ पर लिखते हैं हम,
according to Darwin, ठीक है ना। वो कह रहा है यूजफुल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, करेक्ट, सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर उसी का इनहेरिटेंस होता है, बट हेयर, लेकिन यहां वेस्टिजियल कैरेक्टर, वेस्टिजियल कैरेक्टर्स परसिस्ट, वो तो आज तक वेस्टिजियल कैरेक्टर भी अभी तक आ रहा है हम लोगों में है, उसको तो खत्म हो जाना चाहिए, उसका तो इनहेरिटेंस होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, ओवर स्पेशलाइजेशन क्या मतलब हुआ इसका, है ना। मोर डेवलपमेंट ऑफ डियर्स एंटलर एंड टस्क ऑफ एलिफेंट्स क्रिएट प्रॉब्लम आर नॉट यूजफुल आर नॉट यूजफुल बट प्रॉब्लमेटिक, लिखिए प्रोब में प्रॉब्लम, प्रॉब्लमेटिक क्या समझे इसे। हिरन का सिंह बड़ा बड़ा हो जाए, वो झाड़ी में फंस जाती है, बेचारा शिकार करने वाला आता है उसको मार देता है, क्या फायदा है उसको, तो छोटा छोटा सिंह रहता तो अच्छा रहता उसका, उसी को एंटलर कहते हैं। हाथी का बड़ा ही सिंह हो जाए, बड़ा ही दांत निकल जाए, क्या फायदा है उससे, ये तो प्रॉब्लम ही करता है उसको, है ना, उसको कोई फायदा नहीं करता है। इसके बारे में तो इसका तो इनहेरिटेंस होना ही नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो तो यूजफुल कैरेक्टर उतना ही को डेवलप करना चाहिए, है ना, वो उसी का इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन आज तक इनहेरिटेड हो रहा है, सभी में पाया जाता है। ओवर स्पेशलाइजेशन की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हिरन का बड़ा बड़ा सिंह बना देने का, वो तो उसको प्रॉब्लम है। टस्क ऑफ एलिफेंट्स, हाथी का बड़ा दांत हो जाए उसे कोई फायदा नहीं है, उसको प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है ना। अब है ना, और क्या क्या है इसमें अब देखते हैं, है ना। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस छोटा मोटा वेरिएशन उसका भी इनहेरिटेंस हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसका, जो यूजफुल होगा उसी का ना वेरिएशन होना चाहिए, है ना, जो यूजफुल वेरिएशन है उसी का इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू डार्विन। लेकिन यहाँ तो छोटा मोटा वेरिएशन है ना, वो उसका भी इनहेरिटेंस हो जाता है, डार्विन की इसके बारे में कह रहा है कि ना इसका इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए, है ना। और चौथा पॉइंट,
है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। है ना, वेरिएशन वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, आगे भी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग हम लोग में जितना भी वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ही फादर मदर के 10 संतान है, 10 कोई एक दूसरे के समान नहीं हो सकता है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं, इसको कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, कल वही पढ़ना है हम लोगों को म्यूटेशन थ्योरी। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बोला था, है ना। नो नो आइडिया ऑफ डार्विन अबाउट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। म्यूटेशन द्वारा जो वेरिएशन होता है उसके बारे में डार्विन कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। एक और पॉइंट है इसका, एक और पॉइंट कौन है, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस पर तो मोटी मोटी किताब लिखी गई है ना, कि अभी तो और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या जीव आने वाले हैं, मनुष्य का ही दूसरा रूप भी आ सकता है 1000 ईयर्स लेटर, बहुत दिनों बाद जेनरेशन टू जेनरेशन चेंज होते होते हो सकता है कि 100 साल 200 या 1000 साल बाद जो है ना मनुष्य भी जटिल हो जाएगा, मनुष्य का ब्रेन दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, हाथ पर मजबूत हो जाएंगे या कमज़ोर हो जाएगा, साइज छोटा होगा बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो फिटेस्ट आने वाले हैं, उसके बारे में डार्विन कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी नो आइडिया, नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है ना। तो ये रहा, अब हम लोग न्यू डार्विन देखेंगे, है ना, न्यू डार्विन। कि अगर डार्विन में थोड़ा सुधार किया जाए तो कहाँ तक सही हो सकता है। अभी तो ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी व सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो अपने वो सब दिखाई देने लगेगा, है ना, कहाँ तक इसमें क्या क्या चेंज किया जा सकता है। तो फिर यह इवोल्यूशन का और आइडिया होगा। अभी हमको सिर्फ पढ़ा लेने दीजिए म्यूटेशन थ्योरी, तब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। बस साथ में मॉइस्चर हो जाता है ये। अब हम लोग देखें नियोडार्विनिज्म, नियो बनना है डार्विनिज्म कि क्या जरूरत है। अभी जो वो तो डार्विन बहुत पहले अपना ये दिए थे, ठीक है ना, 1859 में। अभी जो बहुत सारा नॉलेज हम लोग को हो गया है, तो डार्विन में क्या क्या सुधार कर दिया जाए तो कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये पहला, कोई सुधार की जरूरत नहीं है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ स्प्रिंग, ये सही है। दूसरा लिमिटेड, ये भी सही है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, सुधार की जरूरत इसमें नहीं है। तीसरा ये भी सही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लिमिटेड फूड और स्पेस होगा तो स्ट्रगल शुरू हो ही जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। चौथा वेरिएशन, सुधार की जरूरत है इसमें, वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, वेरिएशन के कोई कारण है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो आम तौर पर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इसको इंक्लूड करना चाहिए, वो तो डार्विन तो इसी पर जोर ही दे रहा है ना, ड्यू टू म्यूटेशन, डार्विन इसके बारे में कुछ नहीं कहता है ना, और इसको कहते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ होता है ना क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल, है ना, इसके कारण भी होलोहाइड्रेशन, आगे भी देखेंगे ना, पढ़ना ही है हम लोगों को प्लांट ब्रीडिंग। दो विभिन्न जाति के जीवों को, कभी विभिन्न जाति के जीवों में कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वो क्रॉसिंग हो ही नहीं सकता है, लेकिन आर्टिफिशियली उसको करा दिया जाता है ना, तो दो जैसे घोड़ा और गधा को क्रॉस करा कर म्यूल बनाया गया है, हिन्नी बनाया गया है ना, तो क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये भी कॉज हो सकता है वेरिएशन का। इसकी चर्चा तो डार्विन ने की है, इस दोनों की चर्चा नहीं की, इसको जोड़ना चाहिए उसको। एक और है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको नहीं छू रहे हैं हम, क्योंकि आगे जो सिंथेटिक थ्योरी है उसमें मिलेगा, उसमें ठीक है ना। अब है पांचवा, एकदम सही है ये, नेचुरल सेलेक्शन, नेचर सेलेक्ट करता है, किसी तरह का वेरिएशन आएगा वो यूजफुल होगा तो वो सही कर लेगा, है ना, सेलेक्ट यूजफुल वेरिएशन, है ना। अब छठा देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये आगे भी अब चर्चा इसकी होती रहेगी, रिप्रोडक्टिव, है ना, इनब्रीडिंग इसको कहें, इनब्रीडिंग ओनली, क्या मतलब है इसका, यहां से देखिए, सभी जीवों में प्रजनन की अत्यधिक क्षमता होती है, फूड एंड स्पेस लिमिटेड है ना, इसलिए स्ट्रगल शुरू होगा, यहाँ तक सही है। वेरिएशन सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएशन की चर्चा कौन करता है, डार्विन किया था, है ना, लेकिन वेरिएशन जो है ना इतने कारण से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इसकी चर्चा वो किया था, ये सब की चर्चा नहीं किए थे। अब नेचुरल सेलेक्शन है, तो इस तरह वेरिएशन जो उत्पन्न होगा और उसमें जो यूजफुल कैरेक्टर होगा वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अब जो सेलेक्टेड प्लांट्स है या एनिमल्स है, ब्रीडिंग उसी में होना चाहिए, फिर वो नॉर्मल जो है ना उसमें नहीं होना चाहिए,
उसको वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड वैरायटी से नहीं, हम लोग वाइल्ड वैरायटी है। हम लोग में कोई नया चीज डेवलप कर गया किसी जीव में, किसी मनुष्य में, तो उसको कहेंगे हम लोग म्यूटेंट वैरायटी। तो जो अभी यहाँ सच जो नया जीव डेवलप करने जा रहा है, रिप्रोडक्शन किस में होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना, उसी में उसका इनब्रीडिंग होना चाहिए, वाइल्ड वैरायटी से नहीं या नॉर्मल वैरायटी से नहीं। और इतना करने के बाद कई जेनरेशन बाद ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नई जाति उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा नियो डार्विनिज्म, आएगा तो डार्विन नहीं जाएगा, नियो डार्विन नहीं आएगा, आप लोगों को आइडिया देते जाने की सिंथेटिक थ्योरी में फिर सब आप लोगों को और दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। उसमें नेचुरल सिलेक्शन का बहुत डिटेल देखेंगे हम लोग, तो कुछ तो आइडिया हुआ इसका बिना इस सब को चारों थ्योरी को बिना पढ़ाए, फिर हम लोग एनसीईआरटी पर जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। पहुँचेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए कल हम लोग म्यूटेशन थ्योरी देखेंगे, उसके बाद सिंथेटिक थ्योरी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा।